अब बताएंगे फूल गोभी के ऐसे कौन से गुण हैं जो किडनी रोगियों के लिए फायदेमंद नहीं हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किडनी की बीमारी में आपको क्यों गोभी का सेवन बहुत ही कम कर देना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। फूल गोभी की सब्जी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है और इसके कई फायदे भी हैं। इसमें फाइबर, वाइटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। फूल गोभी मैंगनीज, तांबा, लोहा, कैल्शियम और पोटेशियम जैसे खनिजों का एक अच्छा सोर्स है। फूल गोभी खाने से कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग, संक्रमण, अधिक वजन, सूजन जैसी कई बीमारियों को रोकने में मदद मिलती है। अब जानेंगे किडनी रोगियों के लिए फूल गोभी का अधिक सेवन क्यों वर्जित है। सबसे पहला है इसमें यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा होना। फूल गोभी में यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा होने की वजह से आपको इसका सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप इसे अधिक मात्रा में खाते हैं तो किडनी में पथरी बनने की आशंका होती है। किडनी रोगियों के लिए ये घातक हो सकता है, इससे उनकी किडनी पर दबाव पड़ सकता है। दूसरा है इसके सेवन से आपको गैस की समस्या हो सकती है। फूल गोभी में अधिक मात्रा में कार्ब्स होते हैं जो आसानी से नहीं टूटते, इसलिए फूल गोभी के अत्यधिक सेवन से गैस की समस्या हो सकती है। किडनी रोगियों के लिए गैस बनना उनके पाचन तंत्र और पूरे स्वास्थ्य पर असर कर सकता है। इससे शरीर में बेचैनी और बीपी बढ़ने की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है, जिससे आपकी किडनी पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अगला है ब्लड में क्लॉट्स बनना या खून का गाढ़ा होना। वाइटामिन के ब्लड को गाढ़ा कर देता है और फूल गोभी में वाइटामिन के काफी मात्रा में होता है, इसलिए रोगी को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। अगला है इसमें पोटेशियम और सोडियम की मात्रा का अधिक होना। जिनकी किडनी पहले से ही कमजोर होती है उनके लिए अधिक सोडियम और पोटेशियम वाले भोजन का सेवन हानिकारक हो सकता है। ये इलेक्ट्रोलाइट्स ब्लड में एक्युमुलेट होकर किडनी पर दबाव बनाते हैं, इसलिए आपको फूल गोभी का सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये थे कुछ कारण जिन कारणों से फूल गोभी आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। इसमें कुछ अच्छे गुण भी होते हैं। आप लीचिंग प्रोसेस के बाद इसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन सीमित मात्रा में ही इसका सेवन करें, करीब 10 से 12 दिन में एक बार। साथ ही इसके सेवन से पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। एक पौष्टिक आहार और योग कर्मा आयुर्वेदा के उपचार के दो अहम भाग हैं। आयुर्वेदिक औषधियों के साथ कर्मा आयुर्वेदा आपके लिए आपके स्वास्थ्य के अनुसार एक पौष्टिक आहार शैली तैयार करता है, जिसमें इस बात पर खास ध्यान दिया जाता है कि कोई भी भोजन आपकी किडनी पर दबाव न बनाए। आपके आहार में ऐसे फलों और ऐसी सब्जियों को शामिल किया जाता है जिनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और अन्य गुण आपके स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाएं। आप गोभी के स्थान पर घिया, तुरई, परवल जैसी सब्जियों को अपने आहार में शामिल करें। साथ ही इस शैली में इस बात पर भी ध्यान दिया जाता है कि किस तरह के व्यंजनों का सेवन आपके लिए वर्जित है। किडनी के हर तरह के रोग में हम सलाह देते हैं कि आयुर्वेदिक उपचार ही सबसे सर्वोच्च है, क्योंकि आयुर्वेद में क्षमता है कि ये किडनी के गंभीर से गंभीर रोग को जड़ से समाप्त कर सके। कर्मा आयुर्वेदा आज भारत का सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेदिक किडनी केंद्र है, जहां सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि विश्व भर से किडनी रोगी आकर अपना इलाज करवा रहे हैं। आयुर्वेदिक औषधियों और योग की क्षमता को आज पूरा विश्व कबूल कर रहा है। अगर आप या आपका कोई परिजन किडनी की समस्या से जूझ रहा है तो आज ही संपर्क करें कर्मा आयुर्वेदा में। हमारे साथ एक पेशेंट जुड़े हैं, अखिलेश वाजपेयी, कहाँ के रहने वाले? ईस्टर्न यूपी में पड़ता है, वेस्ट यूपी में है, वहीं शुरू होता है। कानपुर। जब आए थे उस समय क्या क्या दिक्कत आ रही थी आपको? हाँ, पैर में दर्द रहता था और कभी कभार यूरिन में जलन होने लगती थी, मेरे शरीर में थकान ज्यादा रहती थी। सबसे बड़ी समस्या ये थी। क्रिएटिनिन कितना आ जावा पाए थे? 1.78 था। ये रिपोर्ट है उसकी, डॉक्टर लाल बैज लैब से उन्होंने टेस्ट कराए थे और 11/8/2019 को क्रिएटिनिन जो इनका 1.77 है, क्रिएटिनिन यूरिया भी इंक्रीज है और दैट इज अराउंड 49.4। पोटेशियम भी बढ़ा उसमें, सोडियम पोटेशियम भी इंबैलेंस है इसमें और सोडियम इज 135 एंड पोटेशियम इज 5.21। जब आए थे तो ये स्थिति थी, लालबैज लैब की रिपोर्ट है, रिपोर्ट में स्कैन करके लगवा दूंगा। और उसके बाद इन्होंने फिर एक और टेस्ट कराया, उसके अंदर क्रिएटिनिन इनका हो गया 17/9/2019 1.48 हो गया। अभी जो इन्होंने कहा, अभी जो लेटेस्ट करा के लाए हैं अक्टूबर में, उसके अंदर आ गया 19/10/2019 1.21, वेरी नियर टू द नॉर्मल रेट। जो यूरिया जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, 1.7 से 1.2 हो चुका है, क्रिएटिनिन नॉर्मल की रेंज में आ गया, सोडियम पोटेशियम भी बैलेंस हो चुके हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो बैलेंस हैं, यूरिया भी नॉर्मल है। 1.17 का नॉर्मल रेंज और 1.2, यानी कि लगभग 30 से 40% जो किडनी इनकी डैमेज थी वो रिकवर ऑलरेडी कर चुकी है।
प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण है, पेशेंट हमारे सामने है, रिपोर्ट हमारे पास है कि किस प्रकार से किडनी के फंक्शन को करना आयुर्वेदा ने एक बार फिर से बढ़ाया है और किस प्रकार से इस गंभीर बीमारी को मात दी है अखिलेश वाजपेयी ने। स्टॉप किडनी डायलिसिस। हमारा पता है G20 NDM 1 प्लॉट नंबर B234 अपोजिट NIMS नेताजी सुभाष प्लेस पीतमपुरा न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर हैं 0987171205001142644274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।